pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज आपके साथ ही वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। किसी भी कोई भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे में इसको मैंने करने की कोशिश की है। काफ़ी डिफरेंट नहीं कहूँगी, लेकिन किसी भी आउटफिट के साथ ये आपका लुक चल जाएगा। आप किसी भी हेयर स्टाइल के साथ, आउटफिट के साथ इसको पेयर अप करना बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद है, लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करना, ठीक है। सबसे पहले स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे। मैंने लगाया है अल्प्स गुडनेस का कुकम्बर टोनर। उसके बाद मैंने लगाई है निविया की क्रीम मॉइस्चराइज़र। काफ़ी लाइट वेट क्रीम है। अगर आप कोई अफोर्डेबल में अच्छी मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हो क्रीम, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ड्राई स्किन वालों के लिए तो अच्छी है ही है, लेकिन ऑयली स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, सो आपको कोई चिपचिप वाली प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। उसके बाद मैं स्टे कुर्की का यहाँ पर प्राइमर ऑयल लगा रही हूँ। ये एज अ प्राइमर वर्क करता है, एज अ फेशियल ऑयल वर्क करता है। सो मैं प्राइमर स्किप करके इसी को लगा रही हूँ। काफ़ी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, स्किन में ज़्यादा ऑयली ऑयली सा नहीं लगता। इसको अच्छे से मसाज कर लेना आपके फेस पे, एंड अच्छे से आपका फेस जो है हाइड्रेट होगा इससे। और आपका मेकअप है ना, एकदम बटर की तरह ग्लाइड करेगा इसके ऊपर। जो भी आप अपना फाउंडेशन वगैरह, कंसीलर वगैरह लगाओगे ना, बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा, पैची नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं कंसीलर लगाऊंगी। सबसे पहले हम हमारा बेस मेकअप करेंगे, तो यहाँ पर मैंने कंसीलर लगा लिया है। ये है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। बाकी आपको इस सारे प्रोडक्ट्स के जो डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, लिंक्स वगैरह आप शेड नेम वहाँ पर चेक कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख लो, मैंने इसको अपने आंडर आइज में, लिड पे, बाकी हाइलाइटिंग पर्पज़ के लिए भी इसी कंसील को यूज़ किया, क्योंकि ये थोड़ा सा लाइट शेड में है, ठीक है। सो यह हमारी आईलाइट्स कंसील हो गई। उसके बाद मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। ये है स्टे कुर्की का फाउंडेशन है। सो इसको मैं थोड़े से अमाउंट में लगाऊंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन वगैरह की थी प्रॉब्लम, वहाँ पर मैंने कंसीलर लगा लिया। बाकी फेस पे इतना ज़्यादा मुझे रहता नहीं है, तो थोड़ा सा इवन टोन करने के लिए मैंने यहाँ पर फाउंडेशन लगाया है। काफ़ी लाइट कवरेज का, शेयर कवरेज का फाउंडेशन है, तो आप या चाहे तो बीबी क्रीम, सीसी वगैरह, सीसी क्रीम भी लगा सकते हो, बेटर कवरेज देगी इससे, मैं आपको बता रही हूँ। बाकी आप देख लो, मैं यहाँ पर सेट करी हूँ, इंस्टेंटली देख लो मैट हो गया वो वाला एरिया। सो मैंने यहाँ पर लैक्मे का रोज़ पाउडर लिया है। मैं इसी की हेल्प से पूरा फेस को सेट कर लूँगी, और अंडर आइज़ में थोड़ा सा एक्सेस पाउडर लगाऊंगी, ताकि हमारे अंडर आइज़ में क्रीजेस वगैरह ना पड़े। सो या आप गर्मियों में तो हम यूजली बेकिंग करते हैं भर भर के पाउडर लगा के, लेकिन अभी हमारे विंटर्स थोड़े से स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर बेकिंग नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, एंड काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिली थी जब मैंने इसको अंडर 100 रुपीज़ मेकअप किट बनाई थी, उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया। आपने नई वीडियो देखी, देख लेना, उसमें मैंने इसको इंक्लूड किया, लेकिन मुझे इतनी मेरी फेवरेट हो गई है। मेरे आईब्रोज से एकदम मैच करती है, नेचुरल लुक देती है, सो दैट्स वाई मैं इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही हूँ आजकल। उसके बाद आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैंने जैकलिन हिल पैलेट में से एक थोड़ा सा ब्राउन सा शेड लेके मैंने इसको अपनी क्रीज लाइन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं पिंक शेड ले रही हूँ सेम ब्रश की हेल्प से। पिंक थोड़ा सा मेरे ड्रेस से मैचिंग शेड है, सो उसको मैं अपनी जस्ट क्रीज लाइन में बफ कर रही हूँ। अच्छे से उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी करोगे, उतना अच्छा मेकअप आपका उभर के आएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं गोल्डन शेड लगा रही हूँ। आप चाहे तो ग्लिटर भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा सॉफ्ट सा लुक रखने की कोशिश की है, तो मैं यहाँ पर शिमरी शेड लगा रही हूँ। गोल्डन शिमरी शेड है, बहुत ईजी आई मेकअप है गाइज, कुछ भी ताम झाम नहीं है। बहुत जल्दी जाना है आपको कहीं, या बहुत ज़्यादा आपको स्टेप्स नहीं करने मेकअप के, तो आप इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है, एंड काफ़ी ज़्यादा ये आसान है, एंड झटपट हो जाता है। उसके बाद अब जो सेम जो पिंक शेड है, उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन में स्मज कर रही हूँ, अच्छा सा स्मोकी लुक देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही हूँ लैक्मे का इंस्टा लाइनर। सो इसकी हेल्प से मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी, पतला सा, बहुत ज़्यादा मैं थिक लाइनर नहीं ड्रॉ करूँगी, ड्रामेटिक वगैरह, थोड़ा सा एक थिन सा लाइनर ड्रॉ करूँगी, विंग लाइनर, ठीक है। सो ये भी लाइनर काफ़ी अच्छा है, मैट है, लेकिन वाटरप्रूफ नहीं है। उसके बाद मैं मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हैं। तो मेबलिन के मस्कारा सारे अच्छे हैं, तो या मस्कारा लगा रहा। वैसे हम आई लैशेस लगाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मस्कारा लगाना ज़रूरी है, ताकि हमारी जो नेचुरल लैशेस हैं वो थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए, और अपनी हमारी जो फेक लैशेस हम लगाते हैं उनके साथ जो मर्ज हुई दिखाई दे, अलग अलग ना दिखाई दे। तो यह मैंने काजल लगा लिया है, आई थिंक स्टे कुर्की का काजल था।
तो फेस को थोड़ा सा ब्राउनजअप करूँगी, कोई ब्राउन शेड लेके, आप अपनी पैलेट में कोई भी ब्राउन शेड है उसको लेके अपने फेस को ब्राउनजअप कर सकते हैं। एक पतला ब्रश मैंने लिया है, फ्लफी पॉइंटेड ब्रश है ये, सो मैं अपने पूरे फेस को इसी से ब्राउनजअप कर लूँगी। सो ब्राउनजअप करना बहुत ज़रूरी है, अगर फेस पे ना एक नेचुरल सी शेप आ जाती है, जो हमारी नेचुरल शेप होती है वो फाउंडेशन वगैरह से कवर हो जाती है, तो इससे हम अपनी अपने फेस को एक लुक शेप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने नोज़ को भी एक पतले ब्रश की हेल्प से कंटूर कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर पूरी क्लिपिंग इंक्लूड कर दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सो या उसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लश। तो ये मेरी SFR की पैलेट है, इसमें से मैं लाइट पिंक शेड लेके अपने फ्लफी ब्रश की हेल्प से ब्लश को अप्लाई करूंगी। पहले आपको प्रोडक्ट को थोड़ा सा प्लेस करना है, उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। सो या और ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करोगे उतना अच्छा नेचुरल सा लुक आएगा। सो या उसके बाद हाईलाइटर लगा लूँगी, वेट एंड वाइल्ड का ये हाईलाइटर है, शेड है प्रेशियस पेटल, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है गाइस, ट्राई नहीं किया, कोई अफोर्डेबल में अच्छा सा हाईलाइटर ढूंढ रहे हो नेचुरल फिनिश का तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। सो यहाँ पर मैं अपने पतले ब्रश की हेल्प से एक अपने इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट कर रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा करूँगी ताकि अच्छे से अच्छा सा लुक आए। एंड में बहुत अच्छा लुक आया था, इन आई मेकअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इससे थोड़ी आईज हमारी बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं। तो यहाँ पर लिपस्टिक मैं लगा रही हूँ, ब्लू हेवन की लिपस्टिक है, शेड नेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा शेड है, ड्रेस से मैचिंग मैंने शेड लगाया, आप चाहे तो न्यूड वगैरह पे भी जा सकते हैं, लेकिन पिंक शेड ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने हिसाब से शेड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनसाइड का मेकअप फिक्सर लेके अपने मेकअप को पूरे को सेट कर लिया, काफ़ी अच्छा ये मेकअप फिक्सर है, अफोर्डेबल में ढूंढ रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मैंने दुपट्टा लिया है, बिंदी लगाई है छोटी सी ब्लू कलर की। सो हेयर स्टाइल मैंने जस्ट हाई एक बन बनाया है, आई लैशेस मैंने लगा ली थी एंड में क्योंकि ग्लू लगा के रखा था, और आप चाहे तो इसको खुले बालों के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं, ऐसे बन बना के भी अच्छा लगेगा, किसी भी आउटफिट के साथ किसी भी हेयर स्टाइल के साथ इसको पेयर अप कर सकते हो। सो या गाइज, दिस इज माई फाइनल फिनिश लुक गाइज, आप तब कैसा लगा कॉमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, सो लाइक कर देना पसंद है। चलिए मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।